मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासें लग गई। दूसरे मरहले में यकम फरवरी को 1वीं से 8वीं जमात तक स्कूल खुलेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी यकम फरवरी को ही खुलेंगे। तमाम तालीमी इदारों को कोरोना SOPs का ख्याल रखने की हदायत। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल पर स्कूल वैन उलट गई, 2 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद स्कूल पर शदीद ट्रैफिक जाम। पुलिस रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्लिफ्टन तोहीद कमर्शियल के करीब हादसे में पुलिस एहलकार जाम भर। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की आज होने वाली समाप्त मुखर समाप्त बेंच की अदम इख्तियाबी के 22 मुलतवी की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस डीलिस्ट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की सरबराह की दौरा तुर्की में अहम मसरूफियात। एसोसिएशन ऑफ जस्टिस एंड स्ट्रेटजिक स्टडी सेंटर बोर्ड के अरकान से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की 2 मुल्क एक कौम है। दोनों मुल्कों की सकाफत के साथ मुफादात और चैलेंजेस भी मुश्तरक हैं। पंजाब के मुख्य इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर और गिदनवा में भी धुंध छा गई। उकाड़ा पत्तों की मुरीद के साहिवाल में रस्ते गुम हो गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेशन बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरवे पुलिस के ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ठंडा। ठारस कद्दू का दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गोबर सिस्तौर में -12, पारा चनार में -8 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित हुनैजा और बगदौर का पारा -7 हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने के साथ मतला जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की स्क्रॉन्टी कमेटी का आज फिर इजलास। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर मुमकिन फंडिंग के इल्जाम पर तहकीकात होगी। पीटीआई MNA फरूख हबीब ने दोनों जमातों के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी।